हेलो दर्शकों, वनस्पति दर्शन और फायदे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको खुजली मिटाने के उपचार बताने वाली हूँ। इन उपचार को प्रयोग में लाइए और खुजली को मिटाइए। डियर फ्रेंड्स, खुजली होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण है ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो खुजली हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है एलर्जी। एलर्जी की वजह से भी खुजली होने लगती है, तो फ्रेंड्स आप अपनी एलर्जी का इलाज कीजिए। तीसरा कारण है गर्मी और पसीना। जब गर्मी के कारण पसीना आने लगता है तो भी इचिंग शुरू हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी कारण खुजली का कारण बन सकते हैं। इसी तरह की और भी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का ये पार्ट है जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये है खीरे का जूस। खीरे का जूस आप कद्दूकस करके भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से कद्दूकस करने के बाद ये निकल जाएगा। एलोवेरा को लेकर आप उसमें ककंबर का रस मिला लें। दोनों की सेम मात्रा मिला लीजिए। एक चम्मच एलोवेरा का जेल हो और एक चम्मच आपका ककंबर खीरे का रस हो, या फिर दो दो चम्मच भी आप ले सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार। ये खुजली मिटाने के काम आता है। तो अगर आपके शरीर में खुजली हो रही है हाथों पैरों पर या पूरे शरीर पर हो रही है, तो इस रस को वहाँ पर लगाइए। हाथों पर हो रही है तो हाथों पर अप्लाई कीजिए। चेहरे पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हर सूरत में आपकी खुजली को दूर करने के लिए लाभकारी है। प्रिय दर्शकों, अपनी त्वचा की देखभाल के लिए, उसको खुजली से बचाने के लिए विभिन्न तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिसमें कि आपको अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाना है, यानी कि उसको मॉइस्चराइज करके रखना है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो और वो खुजली से बच सके। आप अपनी त्वचा की देखभाल के लिए, उसको खुजली से मिटाने के लिए, उसकी खुजली, आपको नीम के पानी से स्नान करना चाहिए ताकि उसकी खुजली दूर रह सके। नीम में एंटीबैक्टीरियल का गुण पाया जाता है जो आपकी त्वचा को खुजली जैसी समस्या से दूर रखता है। तो डियर फ्रेंड्स, इन सावधानियों को बरतिए और इसी के साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा सभी के साथ शेयर कीजिए। आगे मैं हाजिर होंगी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।